Hi learners, how's you all? This is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, we'll be covering the next part of the chapter, that is called part number 2. So please write it down. This is a part number 2. Agar aapne first part nahi dekha hai budgeting ka, pehle usse dekhe, theek hai? It is a part number 2. So let's get started without wasting any time. Aaj ka जो मेरा फुल डे होगा मतलब फुल 90 समझ लीजिए, आज 10:30 से ऊपर हो गया टाइम. सो मैं कोशिश करूंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना आपको पूरा खत्म करवा दिया जाए, ठीक है? सो आई होप आपको ये गिफ्ट अच्छा लगेगा. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर. डिस्काउंटेड पेबैक मेथड क्या होता है, ठीक है? सो डिस्काउंटेड पेबैक मेथड का ये सबसे पहले बेसिकली ये देखो, जो हमारा पेबैक मेथड था ना उसमें टाइम फैक्टर को इग्नोर किया गया था, ठीक है? सो इस वजह से जो इग्नोरेंस थी उसको यहाँ पर लिया गया. इंटरेस्ट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, हर्डल कट ऑफ, सब एनीथिंग यू कैन, मतलब कि हम इस पर बोल सकते हैं इंटरेस्ट का बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे कि डिस्काउंटिंग और इंटरेस्ट फैक्टर को यहाँ पर कंसीडर किया गया. तो फॉर्मूला इज लाइक, ये फॉर्मूला है, इसको खुद लिख कर बता देती हूँ. कई बार क्या होता है जो इस तरीके से टाइपिंग होता है ना, टाइपिंग से ना इतना मजा नहीं आता है. सो एक बार आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ. आई नो माई हैंड राइटिंग इज नॉट सो गुड, बट आई माइनस वन प्लस आई एन, ठीक है? ये एन लगेगा साथ में. सो क्या है, वी हमारा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है ये. ए हमारे पास है सेविंग्स, ये सेविंग्स है हमारे पास, ठीक है? एंड दिस आई हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट, और एन है नंबर ऑफ इयर्स. सो इससे हमारा ये पता लगता है, सो बेसिकली डिस्काउंटेड पेबैक में क्या बोला गया है कि हमारा ये तब यूज होगा जब हमारे पास सेविंग्स भी हो तब भी. सो बेसिकली यहाँ पर सेविंग्स को कंसीडर किया गया है, बट when the savings are uneven over the life of the project, the formula following formula is used, because each year's saving has to be disconnected individually. So basically जब हमें savings given होंगी, ठीक है, अलग अलग given होंगी, तब ये आराम से काम कर जाएगा. So हम अब investment, saving क्या है, saving वही चीज है ना जो हमने invest करना है. So basically वो ये कहना चाहते हैं जब हमें inflows different different आ रहे हैं, तो उस केस में जब हमने क्यूमुलेटिव, अब आगे इसके अंदर करेंगे, जिसमें एक बार इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर करके बताया जाएगा और एक बार इंटरेस्ट फैक्टर दिया जाएगा. इंटरेस्ट फैक्टर क्या है हमारा, वो पीवी फैक्टर ही है. पीवी फैक्टर क्या है, जो हम सारा कैश इनफ्लोस में वो जो करते हैं ना, रेट लगाते हैं, उसी की बात हो रही है. सो स्टार्ट करते हैं, ये आपको ये पता लग गया है, ठीक है? हमारा पी, पी क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना फ्यूचर कैश फ्लोज की. सो पी इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि हमें पता है कैसे निकालनी है, उसको समझा देती हूँ. लेट सपोज 10% है हमारा रेट, तो कैसे निकालते हैं, वन अपॉन वन प्लस वन जीरो, वन प्लस वन जीरो कर लिया, इसका जो आंसर आएगा ना, फिर एक बार जो आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा 0.909. जब ये आपका आंसर आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना, बस इक्वल टू का साइन अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करना है. एक बार दबाओगे, दूसरी बार दबाओगे, फिर जो नेक्स्ट वाले डिस्काउंट रेट है ना, वो हमारे निकल जाते हैं, ठीक है? सो इसको अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. सम पहला है जब हमने इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करा है, इग्नोर. दूसरा है जब हमने एग्जाम्पल ले ली कि 10% इंटरेस्ट रेट रखा. देखो तो हमारा स्टार्टिंग से ही हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इतने पैसे हमने लगाए हैं, इन्वेस्ट करे हैं, कितने इनफ्लोज आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है? सो ये हमारे पास इनफ्लोज हैं, इसको जस्ट क्यूमुलेट करना है. 5 लाख कहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हैं, थर्ड ईयर में मिल रहा है. वेट अ सेकेंड, लेट मी, या ये देखो, पहले 50,000 था, 50,000 में 2 लाख प्लस किया कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख में 2.5 लाख प्लस कर दिया कितना हो गया, 5 लाख. इट मीन्स 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट करे थे ना, That is this. हमें कितने सालों में मिल रहे हैं, 3 सालों में. ये तब था जब हमने इंटरेस्ट फैक्टर को क्या करना है, इग्नोर करना है. मतलब वो जो मैंने आपको ट्रिक समझाई ना, 1 अपॉन 1.10, वो अभी नहीं लगाई है, ठीक है?
नेक्स्ट वाला है जब हम इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं करते हैं। सो ये के सेम वही फॉर्मूला है, अब इसमें सीधा क्यूमुलेट नहीं करना, क्यूमुलेट करना मतलब प्लस 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 नहीं करना, पहले हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये फैक्टर कैसे आए मैंने आपको बता दिया, 10% रेट है ना, तो पहले में लिखेंगे 1 upon 1.10, फिर जो आंसर आएगा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको इनसे मल्टीप्लाई करा, 50,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, एंड सो ऑन। फिर ये जो आंसर आए ना इसको हमने प्लस किया, पहला वाला सेम रहेगा, फिर इसमें ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा, फिर इसमें ये प्लस, इसमें ये प्लस, इसमें ये प्लस, तो हमारा लास्ट में ये आ जाता है। अगेन इसको निकालने का वही हमारा सिंपल फॉर्मूला है, चाहिए कितने हमें, चाहिए हमें कितने, जितना हमने इन्वेस्ट करा था स्टार्टिंग में, इन्वेस्टमेंट लगाई 5 लाख रुपए की। अब आप देखो 5 लाख रुपए कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक ये 3,98,400, 3,98,400 ये हमें थर्ड ईयर में मिल रहा है, और दूसरा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना 5 लाख से, वो कितना है नेक्स्ट ईयर में फोर्थ वाले में, 637,450। अब ध्यान से देखें, पहले हमें 3 साल और अब हमें चाहिए कितना 5 लाख रुपए टोटल चाहिए, और पहले तीसरे साल कितना मिल गया है 398,400, तो इसको माइनस करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा एक्स्ट्रा और कितना चाहिए, वो माइनस कर दिया और नीचे का लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, 637,450 माइनस करेंगे 398,400, ठीक है 637,450 और नीचे 398,400 माइनस करा तो ये आंसर आ गया 0.425। इसको प्लस कर लिया तो हमें पता लग जाता है 3 मंथ्स। इसको दूसरी वे अराउंड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है, अगर मंथ्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से तब भी निकल जाएगा। सो ये हमारा हो जाता है डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। अब ये उसका पेबैक का थर्ड फॉर्मूला क्या है, पोस्ट पेबैक। देखो पोस्ट पेबैक का क्या मतलब है, ध्यान से समझे, पोस्ट पेबैक का क्या मतलब है, जब हमने अभी निकाला सब कि 4 सालों में हमें एसी का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कितने सालों में मिल रहा था, 3.425 ईयर्स में मिल रहा था ना, ठीक है, दैट इज 3 साल 3 महीने में, तो जो बाकी का एक्स्ट्रा मिल रहा है, सॉरी वेट अ सेकेंड, जो बाकी का एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये कितने सालों में हमें मिल रहा है, ये हमें बताता है पोस्ट पेबैक। तो याद रखिए जो पोस्ट पेबैक पीरियड होता है ये हमारा प्रॉफिट वाला पीरियड होता है। प्रॉफिट वाला पीरियड का क्या मतलब है, पेबैक में हमें ये पता लगता है कि जितने पैसे हमने इन्वेस्ट करे वो हमें कितने टाइम पर मिल रहे हैं, ठीक है, और पोस्ट पेबैक मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपने एफडी करवाई 1 लाख रुपए की, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 6,000 रुपए, तो जो 6,000 रुपए है वो है आपका पोस्ट पेबैक। पोस्ट पेबैक पीरियड मतलब कितने टाइम तक बाद मिल रहा है, सो ये हमारा हो जाता है पोस्ट पेबैक का मतलब। अब देखो अगेन हमारे पास इसके केसेस हैं, ध्यान से देखते हैं, इफ द एनुअल कैश फ्लो आर इवन, देन आराम से निकाल लेंगे, एनुअल कैश फ्लो इवन है, पेबैक मेथड में निकाला था ना इवन है, तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ लेकर चलती हूँ, वेट अ सेकेंड, पेबैक का जो हमने करा था ये देखो, जब हमने निकाला था देखो ध्यान से, मैंने आपको तब भी समझाया था हमने 50 लाख रुपए लगाए तो वो हमें 4 सालों में पे हो रहे हैं, लेकिन टोटल तो हमें 7 इयर्स तक मिलना है ना, 7 में से 4 माइनस कर दिए, 4 हमारा था पे बैक और जो 3 इयर्स एक्स्ट्रा बचे वो हमारा क्या है प्रॉफिट वाला टाइम पीरियड, दैट इज इसमें हमें प्रॉफिट होना है, इसको बोलते हैं पोस्ट पे बैक, पोस्ट पे बैक। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, चलते हैं हम अपने इस मेथड पर। सो कहते हैं अगर तो इवन कैश फ्लोज है मतलब हर साल सेम सेम मिल रहा है तब तो आराम से निकल जाएगा, पे बैक निकालो उसमें से पोस्ट पे बैक निकल जाएगा, ठीक है, और माइनस करके, और अगर नहीं है तो फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे। याद रखना स्क्रैप भी ऐड होता है इसके अंदर पोस्ट पेबैक प्रॉफिट में, क्योंकि हम पूरे के पूरे साल ले रहे हैं ना, पोस्ट पेबैक में स्क्रैप क्यों ऐड होता है, क्योंकि आखिरी दम तक इसको लेकर चलना है कि एंड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें हम चीजों को बेच भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी ही खरीदी है तो उसको बेच कर जो स्क्रैप का पैसा बचा वो भी हम इसमें लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज को।
और पोस्ट पे बैक पीरियड का इंडेक्स कैसे होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारा ये निकल जाएगा फॉर्मूला। अब पे बैक रेसिप्रोकल भी होता है। अब देखो रेसिप्रोकल क्या है, देखो ट्रेडिशनल जो हमारा पे बैक मेथड था उसने इग्नोर किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रेट ऑफ रिटर्न को। अब रेसिप्रोकल से ये वाली भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, इससे हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा जब हम 1 अपॉन पे बैक पीरियड करेंगे। ठीक है, पे बैक पीरियड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सो वेरी इजी, दिस इज ऑल्सो इजी, पर इतना डिटेल में नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा रेसिप्रोकल क्या होता है। उसके बाद आता है बेल आउट पे बैक पीरियड। अब ये क्या है बेल आउट पे बैक पीरियड, देखो बेसिकली कहते हैं ये कंसीडर क्या करते हैं सैलवेज वैल्यू, बची कुची वैल्यू, मतलब चीज को हम बेच रहे हैं तब उसका जो वैल्यू निकलती है वो भी इसमें कंसीडर की जाती है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड बेसिकली इन केस ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट ये तब यूजफुल है। पहले वाले हमने देखा था शॉर्ट टर्म के लिए था, रिस्क बिल्कुल नहीं था, ये कब यूज होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पर। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं सैलवेज वैल्यू लेते हैं और यस क्यूमुलेटिव फैक्टर इसके अंडर भी आता है, दैट मींस कैश इनफ्लोस तो लेने हैं प्लस सैलवेज वैल्यू भी लेना है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इस वजह से बेल आउट पीरियड का क्या मतलब है जब हम सैलवेज वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखिए सैलवेज वैल्यू एग्जांपल है, कंपनी ने इन्वेस्ट करा $20,000 प्रोजेक्ट में और $5,000 उसको एनुअली आ रहा है, तो पहले तो हमने पे बैक निकाल लिया इसका, कितना आ गया $20,000 को हर साल $5,000 आ रहा है तो हमें कितने सालों में पे बैक मिल जाएगा 4 सालों में। अब इतना तो पता लग गया हमें, ठीक है हर साल 5,000 आ रहा ना तो एक बार इसको कैश फ्लो लिख देंगे 5, फिर 5 आया क्यूमुलेट कर दिया ना 10 हो गया, फिर 15 हो गया, 5 प्लस किए 20 हो गया। अब सैलवेज वैल्यू हमें गिवन है, सैलवेज वैल्यू 12, 10, 8, 6, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है इसको प्लस कर देते हैं, 12 प्लस 5, 17, 10 प्लस 10, 20, 15 प्लस 8, 23, 20 प्लस 6, 26, मतलब हमने यहाँ पर क्या लेना है सैलवेज वैल्यू को भी लेना है। लिखा हुआ बेल आउट पे बैक क्या है 2 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्यूमुलेटिव पे बैक दिस एंड दिस, ठीक है। सो ये याद रखना ये हमें गिवन है तो हमने क्यूमुलेटिव इसका निकाल लेना है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड्स का। अब देखो इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, देखो आपने अकाउंट्स करा है ना, सभी कॉमर्स वाले बच्चों ने अकाउंट्स करा है। अकाउंट्स में हम क्या करते थे सिंपली जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो लास्ट में जब एनपी आता था टू नेट प्रॉफिट उसके ऊपर पहले लिखा होता ना टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, कोई मशीनरी खरीदी कोई कुछ खरीदा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती थी, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता था फिर माइनस हमारे क्या होते थे टैक्स होते थे। इट मींस नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस ही नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट ही नहीं आएगा, सो इट मींस डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। फिर इसलिए हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं और टैक्सेस भी माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन माइनस किए बिना नेट प्रॉफिट आता ही नहीं है इसलिए कैश इनफ्लोज में अगर डेप्रिसिएशन आफ्टर चार्जिंग लिखा होता है तो हम डेप्रिसिएशन को दोबारा से एड बैक कर देते हैं, क्या कर देते हैं एड बैक कर देते हैं। सो बेसिकली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। सो पेपर में कोई पूछ ले क्या हमारे जो पे बैक मेथड है या फिर हमारा एनपीवी आईआरआर है क्या उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर होगा नो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं जुड़े हुए हमारे एनपीवी मेथड में आईआरआर मेथड में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, ठीक है। कट ऑफ रेट क्या होता है, कट ऑफ रेट कहते हैं मिनिमम रेट जो कि इंटरेस्ट जो बेसिकली मिलेगा रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। सो कट ऑफ रेट को दूसरा नाम इसका एक और बोलते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट हो गया दूसरा हर्डल रेट भी बोलते हैं, HURDLE हर्डल रेट भी बोला जाता है। सो इससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हायर जिसके अंदर होगा हमारा कंपेयर करके उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है तो जो हमारे उसमें बेसिकली तब भी देखा जाएगा स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे हैं। अब फॉर्मूलाज को देखते हैं, जब हमें
इसका फॉर्मूला दो टाइप्स पर बेसिस है। अगर हमें नेट हमारा जो प्रॉफिट है एनुअल नेट जो कांस्टेंट है, और दूसरा है जब नहीं कांस्टेंट है, जब प्रॉफिट कांस्टेंट है, जब प्रॉफिट नहीं कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो एनुअल प्रॉफिट को हमने एनुअल प्रॉफिट ही रहने देना है, एनुअल प्रॉफिट। तो दो केसेस हैं इसके, एक तो इन्वेस्टमेंट हमारी नेट है, एक एवरेज है। नेट है, एवरेज है। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? जब हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर लेंगे, SCRP, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। और एवरेज कब निकलती है? जब नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो ये हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दो मेथड्स। अब जब कांस्टेंट नहीं है, अब जहां पर ऊपर ऊपर हम एनुअल प्रॉफिट्स को एनुअल प्रॉफिट्स लिखते थे, अब एनुअल प्रॉफिट्स नहीं लिखना है, एनुअल की जगह पर वर्डिंग चेंज हो जाएगी एवरेज। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है का मतलब है हम सबकी एवरेज लेंगे। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सो एवरेज प्रॉफिट्स लेंगे, और जो नेट इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट था वो भी एक एक करके केस आ जाएगा। ये तो ऊपर भी हमने करा है, ठीक है ना, ध्यान से समझे इसको। सो ऊपर आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट, और ऊपर क्या, पहले वाले केस में क्या था, दोनों में एनुअल एनुअल ऊपर था, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक बार नेट इन्वेस्टमेंट, एक बार एवरेज इन्वेस्टमेंट, और इस बार भी एक बार नेट इन्वेस्टमेंट, एक बार एवरेज इन्वेस्टमेंट। और कई बार क्या होता है, इंक्रीमेंटल अर्निंग। अब इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होती है? जो हमें फ्यूचर में लगता है कि ये यार अर्निंग मुझे हो सकती है, लाइक सरकार ने कोई सब्सिडी दे दी है, कोई सरकार ने पहले ही कुछ ऐलान कर दिया, तो आपके दिमाग में पहले से फिक्स हो जाता है कि मुझे फ्यूचर में ये अर्निंग होगी। सो इंक्रीमेंटल अर्निंग हम कब करते हैं? जब हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन हो जाती है, ठीक है, फ्यूचर नेट अर्निंग्स। सो और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लिख लीजिए, अगेन इजी है। टोटल प्रॉफिट्स करेंगे, सारे प्रॉफिट्स हर साल आपको कितने होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नेट इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट तो हमने ऊपर भी सीख लिया है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये सीख लिया है यहाँ से। तो ये हो जाता है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन आप सबको पता ही है। जब तो सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम ये देखेंगे बेसिकली मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फिक्स कर देते हैं। और अगर आपके मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज जो रिटर्न हमें मिलना है, अगर उसके इक्वल या उससे ज्यादा आपको स्टैंडर्ड वाले से मिल रहा है तो आप एक्सेप्ट करेंगे वो। अदरवाइज मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जितना आपने जिससे लोन लिया है उसको देने से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉफिट हो रहा है 12% और मुझे देना पड़ रहा है 13%, तो आप लोगे? तो ये तो गलत हो जाएगा ना, मैं 1% का लॉस क्यों करवाऊं। और यही अगर सिचुएशन उल्टी होती, रेट ऑफ रिटर्न आपको जो मिलने वाला है वो हो 13% और आपने जो देना है वो हो 12%, फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो आप कैसे देखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करके, ठीक है। और अगर दो प्रोजेक्ट है तो जो आपको ज्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और साथ में स्टैंडर्ड को भी मीट कर रहा है, ये ना हो कि स्टैंडर्ड कोई ना मीट करे। सो दो प्रोजेक्ट्स अगर है तो आपने देखना है जो हायर रिटर्न आपको दे रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एडवांटेजेस देखते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, सिंपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं, टैक्सेस को भी माइनस करते हैं, क्योंकि हमारे जो कैश फ्लोज है वहां पर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है ना, और कैश फ्लोज को नहीं कंसीडर करते, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं। ये डिसएडवांटेज हो जाता है हमारा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड है, और ये नॉन कैश आइटम भी ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन हमारी नॉन कैश आइटम है ना, उसको ले लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 0.98, वो जो वैल्यू आपको बताई थी 1.10 नहीं ना करा, दैट मींस ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करते हैं। और ये नहीं देखते कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, बस हायर रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक में आप इन्वेस्ट 10 लाख कर रहे हो, दूसरे में 25 लाख कर रहे हो, तो 25 लाख में ही आपको रिटर्न ज्यादा होगा ना, तो ये नहीं देखना इन्होंने, इन्होंने बस इस तरीके से देखना है कि रिटर्न कौन ज्यादा दे रहा है, ये नहीं देख रहे कि उनकी कॉस्ट कितनी है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। So, ये एक गलती हो जाती है। और दूसरा ये उसका जो हमारा सेल करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है, किसी चीज को बंद करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है, उसको ये नहीं कंसीडर करते हैं, वो एडजस्टमेंट्स ये यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। सिक्स पॉइंट है, आगे वही हमने बात कर ली है कि ये वो किसको इग्नोर करते हैं,
टाइम नहीं, टाइम को इग्नोर करते, ये नहीं देखते फॉर एग्जाम्पल जो हमें रेट मिलना है, फॉर एग्जाम्पल 18% आपको रिटर्न मिल रहा है, वो कितने सालों बाद मिल रहा है ये नहीं देखते, ये बस इतना देखते हैं हायर रिटर्न कहाँ पर मिल रहा है, हायर रिटर्न कितने सालों में मिल रहा है ये इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और ये तब भी एप्लीकेबल नहीं है जब हमें इन्वेस्टमेंट जो है पार्ट्स में करनी है, फॉर एग्जाम्पल इकट्ठे करते हैं 10 लाख इन्वेस्ट, 20 लाख इन्वेस्ट, अगर हमें वही 20 लाख को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना हो, एक बार 5 लाख, एक बार 10 लाख, एक बार फिर 5 लाख, फिर नहीं ये करते कंसीडर, तो ये भी इसका नुकसान हो जाता है। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपनी क्या करेंगे, एनपीवी और आईआरआर ये वाले मेथड्स को रिवाइज करेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।